हेलो एवरीवन, मैं सरिता, लखनऊ ब्लॉगर सरिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल। बहुत ही अच्छी रेसिपी ये बनती है। तो हम कटहल को सबसे पहले साफ करके और इसको छील लेंगे। ये छीलने में थोड़ा दिक्कत होती है और हल्का हाथों में तेल लगा के इसको छील के कट कर लेंगे। इसको कई पानी में अच्छे से धुल लिया है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी ये बहुत ही मतलब बतिया वाला कटहल है। तो अब हम लिए हैं बड़ा सा प्याज, लहसुन और मिर्च, ये कट कर लिया है। और अब कुछ मसाले और ले लिए हैं, काली मिर्च और मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़ा सा प्याज। तो इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में। फिर डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दिए हैं इसमें। तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मसाला हमारा पीस चुका है। तो धनिया पाउडर वगैरह डाल के जब पीसते हैं तो बहुत ही अच्छी रेसिपी तैयार होती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, पीस चुका है। तो अब हम इसको अलग कटोरी में कर लिए हैं। अब कुकर में हम तेल चढ़ा दिए हैं, ये सरसों का तेल है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियाँ, थोड़ी लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। और फिर इसके बाद में थोड़ा सा इसको हम भूनते रहेंगे। और भूनने के बाद डालेंगे इसमें हरी मिर्च और प्याज। इसको डाल के अच्छे से भूनना है, मीडियम आंच पे ही भूनेंगे, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से भुन चुका है। अब जो मैंने मसाला तैयार किया था तो उसको डाल दिया है। तो इसको भी चला के अच्छे से भून लेंगे। और जब ये मसाला तेल छोड़ने लगेगा तब तक हमको भूनना है। तो इसलिए धीमी आंच पर इसको भूनते रहें। इस प्रोसेस से बनाएंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कटहल हमारा बनकर रेडी होगा। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। तो ये देखिए तेल छोड़ने लगा है। अब हमने डाल दिया है नमक स्वादानुसार। और नमक डाल के फिर से हमको थोड़ी देर भूनना है। जितने अच्छे से भूनेंगे उतनी ही टेस्टी ये रेसिपी तैयार होगी हमारी। तो ये देखिए तेल छोड़ने लगा है, अच्छे से भून चुका है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। और अब हम डाल देंगे इसमें कटहल जो मैंने कट करके रखे थे। तो इनको डालने के बाद फिर अच्छे से भूनना है इसको, मतलब 4-5 मिनट तक तो ज़रूर ही भूनना है धीमी आंच पे। तो इसमें से खुशबू भी आने लगेगी जब आप भूनते रहेंगे। और मसाला भी अच्छे से भून जाता है, कटहल भी अच्छे से भून जाता है। तो मैंने भून लिया है। अब डाल देंगे इसमें पानी। तो पानी हम कटहल के बराबर ही रखेंगे। तो थोड़ा सा और डाल रहे हैं, बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो अब हम इसको अच्छे से चला के और इसका ढक्कन देंगे बंद कर कुकर का। तो ये देखिए ढक्कन हमने बंद कर दिया है। और मीडियम आंच पे ही हम 2 सीटी लगाएंगे। इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में मैंने नहीं बनाया, उसमें काला हो जाता है। तो देख सकते हैं ये रेसिपी हमारी बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी दोस्तों बनी थी। तो मैंने खाने के बाद ही ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब मैं पूड़ी निकाल रही हूँ, नॉर्मल पूड़ी जो आप घरों में बनाते हैं। तो इस कटहल के साथ में जब आप पूड़ी खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। बच्चे कटहल नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे मैंने बनाया था तो बच्चे भी मांग मांग के कटहल खा रहे थे कि मम्मी मुझे भी एक दे दीजिए। तो देखिए हमारी ये थाली रेडी है, मैंने सर्व कर दिया है। तो आप लोग भी खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, फैमिली में, सभी को शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको बनाएं तो कैसी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।